अब देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है, राइट, ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो भी चीज, जो भी मटेरियल केमिकल रिएक्शन जिनके बीच होता है उनको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स। और जो बनता है उनको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। हालांकि खिचड़ी का बनना केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन खिचड़ी से बहुत अच्छा तरीके से आप समझ सकते हैं, यस और नो। खिचड़ी में क्या होता है आपका? चावल, दाल, सब्जी, वाह, नमक, हल्दी, चीनी, आलू, नहीं कुछ लोग मीठा खिचड़ी खाता है, एनीवेज, तो ये सारा चीज, चलिए कोई बात नहीं है, तो ये सारा चीज आपस में क्या किया? रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके फाइनल क्या बना आपका? खिचड़ी बना। फाइनल क्या बना? खिचड़ी। तो ध्यान से समझिए, मैं जो एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो चावल, दाल, पानी, वाटर, ये सोनो, हल्दी, नमक, ये सब क्या क्या है आपका? रिएक्टेंट्स है। और फाइनल जो बना खिचड़ी वो क्या कहलाया? हमारा प्रोडक्ट कहलाया। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट्स क्या है? दोज सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस, आवाज नहीं, दैट रिएक्ट, यस और नो, ठीक है, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। दोज सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट आर कॉल्ड क्या? रिएक्टेंट। जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स, यस और नो, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, द सब्सटेंसेस एमोंग विच रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड, क्या कहा जाएगा बोलिए? रिएक्टेंट्स। जिनके बीच रिएक्शन होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंट्स, राइट। अब बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट्स की। रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद जिन सब्सटेंसेस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, यानी जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, दोज सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड, दोज सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, क्या बोलिए? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है बच्चा लोग? प्रोडक्ट्स कहा जाता है। यानी जिनके बीच रिएक्शन हुआ वो क्या कहलाया? रिएक्टेंट्स। और जो बन के तैयार हुआ उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। कोई कंफ्यूजन? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन सल्फर, एस होता है सल्फर का सिंबल, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन क्या बनता है बोलिए? सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। जब सल्फर किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है?
सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यस और नो, ध्यान दीजिएगा, यहां आप लिखे सल्फर प्लस क्या हुआ बच्चा, ऑक्सीजन, तो बना हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है? ये बन गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, या इसको यहां कवर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अगर देखा जाए तो इसको हटा दीजिए बेचारे को, इनका कुछ और काम किया जाएगा। यहां आप क्या देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा, यहां रिएक्ट कौन कर रहा है बोलिए, सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये आपस में रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाए, रिएक्टेंट्स कहलाए। यस और नो, और बन के तैयार हुआ रिएक्शन में कौन हमारा, तो ये हमारा क्या कहलाया बच्चा, प्रोडक्ट्स कहलाया। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? जो बन के तैयार हुआ वो क्या कहलाया, प्रोडक्ट्स, और जो रिएक्ट किया आपस में वो क्या कहलाया हमारा, रिएक्टेंट्स। कोई कंफ्यूजन है? राइट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करें आप।